तो दोस्तों आज हम आ गए हैं रेडियो एक्टिव क्लब पंजाबी बाग क्लब रोड में जो है, और आज ही मेरे साथ ज्वाइन किए हैं पीयूष, और साथ ही में आज जो मेरे न्यू ज्वाइनी है जीतू शुक्ला, जो एक खुद एक बहुत बड़ी फूडी हैं और ओनर है जीतू चिकन कॉर्नर के। और आज टाइम निकाल के आए हैं स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्यूजडे। आज दिखाऊंगा कि किस तरीके से है इंटीरियर पंजाबी बाग क्लब रोड के रेडियो एक्टिव क्लब का और कैसा है खाना। चलते देख के और यहाँ का इंटीरियर जो इतना लग्जरी इंटीरियर के बारे में हम ये बताना चाहेंगे मनीष जी आपको कि वन ऑफ द बेस्ट इन पंजाबी बाग। बिल्कुल बिल्कुल जी, तुमने सही कहा। और जो ये एकदम इनका कॉन्सेप्ट है टेरेस वाला, बहुत ही अच्छा है। मैंने आज तक अभी तक क्लब रोड पे दसोरी गार्डन में नहीं देखा है, और इनका जो उन्होंने टेरिस के ऊपर टाइल रखा है वहाँ पर दिखाएंगे। हाँ, वो उन्होंने टेरिस के ऊपर टाइल रखा है, अलग ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है कि आप अपने यहाँ पे देखिए हमने चिमनी दे रखा है। तो दोस्तों आज हमने रेडियो एक्टिव पंजाबी बाग में ऑर्डर किया था पनीर लबाबदार, जो खासा हमें पनीर के आइटम में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और साथ ही ऑर्डर किया है हमने गार्लिक नान और रोटियां, बटर रोटियां। और देखेंगे कि किस तरीके का यहाँ खाना है। इंटीरियर तो मैंने आपको दिखाया कि कितना ही सुंदर है, शायद ही दोस्तों पंजाबी बाग क्लब रोड में ऐसा इंटीरियर मैंने देखा है। यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ के, खास के यहाँ पे इंटीरियर जो सेटिंग है बहुत ही अच्छी है, लाइक इट। और सबसे अच्छी बात, बहुत फ्रेश इंटीरियर है, बिल्कुल नया बना इंटीरियर है। और सबसे और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि यूनिक है, यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं खाने का। अगर आप देखे तरीका, बिल्कुल जो घर में कुकर में हम खाना देते हैं बिल्कुल वही कुकर है यहाँ पर, और साथ में प्याज है, हरी चटनी है, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जीतू शुक्ला आज स्पेशली जो जीतू चिकन कॉर्नर के ओनर हैं,
ट्यूजडे होने के बावजूद यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं और देखते हैं खाना किस तरीके का है। तो सबसे पहले हम सर्व करेंगे और देखेंगे कि खाने का टेस्ट कैसा है। इसमें इन्होंने ऊपर मक्खन और क्रीम डाला हुआ है, देखने में बहुत लाजवाब लग रहा है। जीतू जी, जीतू जी लेके आ जाओ, हम आज स्पेशली आप हमारे जुड़े हैं अपना कुछ क्लोज करके, स्पेशली बिल देने आए, तो दोस्तों इनको सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर। बिल्कुल, जो बिल देंगे सबसे पहले आएंगे, जो देगा वो तो आ जाएगा वीडियो में, जो बिल देगा वही आएगा। गार्लिक नान बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, पतले ही हैं, तो खाना खाएं दोस्तों, बताएं किस तरीके से खाना है यहाँ। बिल्कुल, अब आपके टेस्ट करके बताएंगे कि इसमें क्या उन्होंने स्पेशल है इनका। दो मिनट दीजिए खाने का। गार्लिक नान बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, प्रॉपर लाइट वेट है, बना हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से। और मखनी की बात करता हूँ मैं, बिल्कुल बहुत अच्छा स्वादिष्ट पनीर मखनी यहाँ पर बना हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत लाइट है खाना, बहुत टेस्टी। पनीर के पीसेस बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं और एकदम टेस्टी खाना मैं कहूँगा यहाँ पर। जीतू जी आप बताएं किस तरीके से लगा आपको यहाँ खाना। बढ़िया, क्या स्पेशलिटी लगी यहाँ पर आपको? ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लाइट मसाले हैं। और जो गार्लिक नान की बात करें, गार्लिक बहुत अच्छी तरह से इसमें स्टक हुआ है, हाँ, और इसलिए उसकी थिकनेस है वो बढ़िया है, ज़्यादा हैवी नहीं है और मोटा नहीं है। जनरली जब हम क्लब वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि यार दारू पीनी है, बियर पीनी है, ड्रिंक्स पीनी है, वहाँ पर नॉर्थ इंडियन जो है हमारा खाना होता है, मेन कोर्स खाना होता है, वो उतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर बहुत टेस्टी खाना मैं कहूँगा, बहुत लाजवाब। मैंने पनीर लॉबस्टर बहुत ज़्यादा खाया बट यहाँ का है बहुत लाइट मसाले हैं, बहुत सॉफ्ट पनीर है, गार्लिक नान की स्टफिंग अच्छी है, ज़्यादा बेक नहीं किए हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छा है। और अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें और लॉन्च की रेस्टोरेंट्स की, फाइन डाइन की, उनसे मच बेटर है, बहुत ज़्यादा मच बेटर है। हम दोनों का निपट गया, लेकिन पीयूष भाई अभी तक लगे रहे हैं। पीयूष भाई क्या खासियत लग रही है कि एंड तक टिके पड़े हो, लगे रहे हो? उम्दा क्वालिटी दोस्तों, में टेस्टी लाइट मसाले, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। ये सब्जी ऐसी है, कैसी सब्जी है? एक छोटा बच्चा, एक छोटे किड से लेकर जो हमारे सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज तक बंदे आराम से खा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबके लाइट मसाले हैं, चटनी बहुत लाइट है, अनियन फ्रेश है, पनीर फ्रेश है, अल्टीमेट साला के ऐसा फूड मैंने नहीं खाया अभी तक, वो भी किसी लॉन्च में।